स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। मैं कुछ बोलूं? इसमें बताना क्या है? प्रमोद भाई है ना, उनके बेटे की शादी पे गुड़िया और मैं साथ में गए थे ना, वहीं देखा था मेघना को, है ना? क्या लड़की है, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। और खाना क्या बनाती है मोटा भाई, क्या खाना बनाती है? आप उसके हाथ का खाना खाएंगे ना तो दो दिन बाद भी उंगलियां चाटते नजर आएंगे, है ना बा? चलो दो दिन नहीं, एक दिन तो। वाह वाह वाह, एक मिनट प्रवीण, तू कब उसके हाथ का खाना खा के आया? सुना होगा इन्होंने। हाँ वैसे मैंने भी सुना है, काफी सुंदर सुशील और होशियार लड़की है। बेस्ट लड़की है, बेस्ट। बोलो बोलो भाई। बुढ़िया। हाँ जी बेस्ट है जी। अरे कमाल की लड़की है। हाँ। जब आप सब इतने श्योर हैं तो मैं कुछ कहूँ? बोल। तू भी बोल ले, कब से बीच बीच में बोल रही है, बोल। मोटा भाई मेघना साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। घर का और ससुराल का दोनों का नाम रोशन करेगी, ऐसी लड़की है वो। और उसका पति तो उससे भी बढ़कर है। वाह 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 वाह। मेघना शादीशुदा है? अरे हाँ, अब इतनी सुंदर दिख रही थी कि मेरे मन में तो वो जिगर के लिए फंस गई और मैं भूल ही गई कि हम उसी की शादी में गए थे। क्या हुआ? दांत में नारियल का टुकड़ा फंस गया बाप। बाबा हश। क्या? नहीं बेटा, यानी बाथरूम में जा, आईने के सामने खड़ा होकर कुल्ले कर ले, पूरा दिन खराब हो जाएगा बेटा। जा। अरे मोटा भाई नहीं, निकल जाएगा यूं ही। क्या निकल जाएगा? क्या जरूरत? हाँ हाँ भाई, जा रहा हूँ जा रहा हूँ, सर पे चढ़े हैं सब भाई, कमाल है। मीनाक्षी, मीनाक्षी तू पहले नहीं बता सकती थी कि मेघना शादीशुदा है? मुझे तो कोई बोलने ही नहीं दे रहा था बा। बिल्कुल सही कह रही है, ये बिचारी जब भी कुछ बोलने जाती थी तो चुप रहे। और बुढ़िया तू कहाँ होशियारपुर चली गई थी मेघना को लेकर? जी मैं तो सिर्फ होशियारपुर गई ना। हाँ? आप तो उसके घर जाकर खाना खाकर आ गए। जी झूठ बोलने से पहले कुछ तो सोचिए। और बाप क्या मुगले आजम बनकर निकल पड़ी थी? हाँ? लड़की का नाम लेने से पहले पता करने की कोशिश नहीं की कि वो शादीशुदा है या नहीं? वावा, वावा। सबसे पहले तो इसे चुप कराओ, कहीं भी वावा वावा बोलता रहता है और वो भी गलत टाइम पे वावा बोलता है। वावा। गट्टू, बेटा तू वावा वावा मत बोल। तो क्या बोलने का? तू कुछ मत बोल, हेमल तू धीमी आवाज में बात कर, तू छोटा है समझा ना। गट्टू भाई मैं आपको बताती हूँ जी, आपको ना कुछ नहीं बोलना है। कुछ नहीं बोलने का? ना जी। अब मैं शैलेश भाई के अमी की बात निकालूंगी। हाँ हाँ ठीक है, आ रहा है आ रहा है। क्या हुआ बेटा, निकाला? ये भाभी ना। क्या भाभी ना? कुछ याद नहीं रहता इन्हें, बिना छानबीन किए किसी भी लड़की का नाम ले लेती है। बा अब आपकी उम्र हो गई, ये मकान हमारे नाम पे करके यात्रा पे चली जाइए आप। हाँ हाँ मैं जाऊंगी तो तुझे तो साथ में लेके ही जाऊंगी बेटा। यानी मकान की बात छोड़ और मुद्दे पे आ। अरविंद मेरे दिमाग में दो लड़कियां, चलो एक की तो शादी हो गई पर दूसरी कवारी है। अरे अपने शैलेश भाई की अम्मी हीरा है, हीरा। हाँ और वो भी डॉक्टर बनने वाली है। वो कमाल है, डॉक्टर के साथ डॉक्टर, मतलब हर्षद भाई और शिल्पा पर जाए के बाद हमारे घर में एक और डॉक्टर जोड़ी। जी बा का सर तो गर्व से दुगना ऊंचा हो जाएगा, बा का मान समाज में कितना बढ़ जाएगा जी। कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं कुछ नहीं, अब वावा बोल। ये तो चीटिंग है ना,
पहले ऐसे बोल रहे थे कि वाह नहीं बोलने का, कुछ नहीं ऐसा बोलने का, और अभी बोलते हैं कि वाह बोलने का, ऐसे थोड़ी चलता है। गट्टू भाई आप पहले क्या बोल रहे थे वो एक टांग पे खड़े होके? अप्सरा अप्सरा। हाँ आप वही बोलिए ना। चलेगा। अप्सरा अप्सरा। मोटा भाई मैं एक बात कहूँ, माँ ने शैलेश भाई की अम्मी को देखा है और कहा है कि वो लड़की अच्छी है, तो मुझे तो वो लड़की बिना देखे ही अच्छी लग गई। वाह वाह मीनाक्षी वाह वाह। अप्सरा अप्सरा। बस गट्टू 14 इडली खा चुका है तू, बस जा हाथ धो ले बेटा। हाथ धो लू। अच्छा अच्छा। अप्सरा अप्सरा। वाह मैं क्या कह रहा हूँ, शैलेश भाई की अम्मी ज्यादा पसंद है तो फिर मैं हरी भाई को क्या कहूँ? अरे कह देना मोटा भाई कि हमने शादी के बारे में बहुत सोचा, लेकिन अभी जिगर का शादी का विचार कम है, वो चाहता है कि पहले वो सेटल हो जाए, फिर 2-3 साल बाद सोचेंगे। ठीक है चलो चलो भाई, मुझे बहुत लेट हो गया है, काम करो मेरा टिफिन तैयार करो, तब तक मैं मेरी डायरी और पाउच लेके आता हूँ। हाश एक मुसीबत तो टली थोड़े समय के लिए, लेकिन बा अब अम्मी को कैसे टालेंगे? क्या लीला भाभी, कुछ दिनों बाद मोटा भाई से भी कह देंगे कि शैलेश भाई का फोन आया था और कह रहे थे कि अम्मी का शादी का विचार अभी कम है, 2-3 साल बाद सोचेंगे। लबार, ये पूरे चक्कर में तूने मुझे भी घसीट लिया है ना, सारा झूठ। बात जिगर की जिंदगी का सवाल है बा। हाँ जिस तरह अब तक साथ देती आई है ना, आगे भी ऐसे ही साथ देते रहना। चलिए हाथ मिलाइए, प्रॉमिस कीजिए। चलिए गट्टू भाई। चलो 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 जल्दी। क्या हुआ और तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इवेंट के घर जा रहे हैं खाना लेके। मीनाक्षी बा को पूछा है ना? चलो बाय बाय बाय। चलो अदा। हाँ बोलो। ऑफिस से आते वक्त मेरे लिए एनिमल चार्ट, फिर देश के नेताओं का चार्ट, फिर फ्रूट चार्ट। एक मिनट चैताली बेटा, ये सब मुझे कल लिखवाना, मैंने वैसे भी मेरी डायरी पाउच में रख दी है, और मैं लिखूंगा नहीं तो मुझे याद नहीं रहेगा। तो मैं आपको फोन करूंगी। अरे बेटा इतनी छोटी सी बात के लिए तू मुझे फोन क्यों? हेलो। हाँ शैलेश भाई। अरे 100 साल की उम्र है आपकी, अभी थोड़ी देर पहले ही बा ने जिक्र किया आपका। हाँ पॉलिसी ना। हाँ तो मैं आ जाता हूँ ना आपसे मिलने आपके ऑफिस। अच्छा आप ही आ रहे हैं मेरे ऑफिस, ठीक है ठीक। हाँ तो वेट करता हूँ मैं आपके लिए। कितने बजे आएंगे आप? ठीक है हाँ रखता हूँ शैलेश भाई। हाँ जी। अदा ये शैलेश भाई मतलब? अरे वही जिनकी बेटी का नाम बाने जिगर के लिए सुझाया। देखा चेताली, इसे कहते हैं इत्तेफाक। आज ही बात निकली और आज ही उनसे मुलाकात होगी। बात जो भी नाम चुन के लाती है उसमें भगवान की मर्जी होती है। कर जिगर बस कर, क्या हर बात में लड़कियों की तरह रोने बैठ जाता है तू? मेरी जगह अगर आप होते ना तब आपको पता चलता। तेरी जगह अगर मैं होता ना तो रोता तो हरगिज नहीं। एक मिनट प्रवीण भाई आप शांत रहिए। देखना जिगर तू रिमझिम के पापा को फोन लगा और बोल कि मैं सुबोध उनसे मिलना चाहता है। लगा फोन। तू पागल हो गया सुबोध, अगर मोटा भाई को पता चलेगा तो मार डालेंगे तुझे। प्रवीण भाई किसी ना किसी को तो बलि का बकरा बनना ही है ना, तो मैं बन जाता हूँ। तू फोन लगा ना यार। अरे तो बा को बनाते ना बलि का बकरा। प्रवीण भाई बा अगर मोटा भाई को एक बार भी कह देना कि रिमझिम उन्हें पसंद है और जिगर की शादी उसी से होगी तो मोटा भाई चुपचाप बा का फैसला मान लेंगे। हाँ ये तो अच्छा आइडिया है, तो चलिए ना दादी माँ को जाके कह देते कि पापा से ऐसा बोल दे। एक मिनट चुप रह, तुझे क्या लगता है कि बा ने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि बा को पता है मोटा भाई उनकी बात मान तो लेंगे लेकिन मन ही मन जिंदगी भर घुटते रहेंगे, इस रिश्ते से कभी खुश नहीं होंगे, और मोटा भाई बा के सामने कुछ बोल नहीं सकते तो उनकी इस कमजोरी का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इंसान की कमजोरी का फायदा तो उठाना ही चाहिए। नहीं प्रवीण भाई, मोटा भाई जैसे भोले भाले इंसान के साथ ऐसा करना पाप है। अरे मैं बन रहा हूँ ना बलि का बकरा, अब तक मोटा भाई मुझसे चिढ़ते थे, नाटक वाला कह के 2-4 खरी खोटी सुना देते थे, अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जिंदगी भर के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ देंगे, बापूजी की तरह मुझसे बात नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है, बच्चे की जिंदगी तो सफर जाएगी। एक मिनट सुबोध, तू मेरे मुंह से ये बुलवाना चाहता है ना कि सुबोध तू रहने दे,
ये काम मैं कर लेता हूँ, है ना? मुझे लगा ही तो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके इस काम के लिए राजी करवाने का प्लान था तेरा, है ना? अरे कभी भाई, अब बात तो समझिए, मोटा भाई और रिमझिम के पापा से सिर्फ आप ही निपट सकते हैं, और आप ही ये पीड़ा नहीं उठा रहे थे इसलिए तो ये चुप कर तू, मात चालू है तू। पापा पापा चुप रहे तू, जब देखो कुछ ना कुछ मांगने चले आते हैं। ये मेरे बच्चे भी ना पिछले जन्म में मेरे लेनदार रहे होंगे। मतलब आपने पिछले जन्म में भी उधारी की थी? चुप रहे चिबावली और जा। पर मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे तेरी जरूरी बात से भी ज्यादा जरूरी बात करनी है, जा कहा ना, समझ में नहीं आता। ओके, जैसी आपकी किस्मत। अरे जबान तो देखो कैसे चल रही है सबकी। तू रिमझिम के बाप को फोन लगाना। अरे ला रे अभी बात करता हूँ। हेलो में ही बॉम्ब डाल दिया इन्होंने। हेलो, क्या मैं, नाम क्या इनका? परशुराम तलवार। नाम ही परशुराम, हाथ में परशु, सरनेम तलवार, संभालना प्रवीण भाई। हेलो, क्या मैं, क्या मैं बोल के अपनी इंफॉर्मेशन पूछने के लिए फोन किया है? फोन रख। काट दिया परशु से तलवार से। सुबोध काका मजाक छोड़िए ना, और प्रवीण काका पूरा सेंटेंस तो बोलिए। क्या मैं बोल के रुक जाएंगे तो कोई भी फोन काट देगा ना। फोन लगाइए फिर से। हेलो हेलो, मैं प्रवीण ठक्कर बोल रहा हूँ। हाँ तो? हाँ तो कुछ नहीं। अब क्या हुआ? बड़ा डेंजरस आदमी लगता है, रावण जैसी आवाज है, नीचे सुर में तो बात ही नहीं करते वो। मैंने कहा कि मैं प्रवीण ठक्कर बोल रहा हूँ तो पूछता है हाँ तो। अब इस हाँ तो का क्या जवाब दूं मैं? हाँ तो बोलिए ना, आप जिगर के काका बोल रहे हो, बात करनी है आपसे। क्या काका आप भी, यहाँ तो सब लोग ना मेरे प्यार की नैया डुबाने में तुले हुए। जिगर बेटा, तो फिर नाव देख कर सिलेक्ट करनी चाहिए थी ना, और तेरी नाव में छोटे छोटे छेद नहीं है, गटर के मैन होल जितने बड़े बड़े छेद है। काका। क्या काका? सुबोध, इस बिचारे की नाव सचमुच भंवर में फंसी है। मैडम वो जय श्री कृष्ण होता है माँ। जय श्री कृष्ण। अरे बेबी देखो आ गए ये लोग खाना लेके। अरे तुम वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो, ले जाओ अंदर। ये लो बेबी। ताई माँ, बा ने साफ मना कर दिया था खाना ले जाने के लिए, लेकिन फिर मैंने ही जिद की। बहुत अच्छा किया। अरे आओ ना अंदर आओ। बेबी तू नहीं है अभी तक। अरे कैसे नहाती गट्टू? इसका टॉवल नहीं रखा था ना बाथरूम में।
और ना ही किसी ने गीजर ऑन करके दिया। तकलीफ कितनी है इसे, आप ही बोलो कैसे नहाती बेचारी। हाँ हमारे घर में भी सेम टू सेम तकलीफ थी बेचारी को। बेचारी मेरी बहन जोर से चिल्लाती सुबह सुबह, भाभी मेरा टॉवल रखा तो पूरे कृष्ण विला में भागम भाग मच जाती थी ताई माँ। और यहाँ तो ताई माँ मैं बेबी बिन का टॉवल उठा के बाथरूम में रख दूँ अगर आपको एतराज ना हो तो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और गट्टू तुम बेबी को उठा के बाथरूम में रख देना। और मीनाक्षी बेटा तुम बेबी का कमरा अच्छे से साफ कर देना, और गट्टू बेटा तुम बेबी की अलमारी अच्छे से लगा देना, ठीक है। जो आ गया ताई माँ, क्या जो आ गया। बेबी बेन बड़ों की बात माननी चाहिए, और ये आपकी ताई सास है। हाँ पर आपकी ताई सास नहीं है। ये सिर्फ बेबी की ताई सास है ना, तो बेबी ही इनका कहा मानेगी, है ना बेबी। अरे गट्टू तू चुप रहे ना। अरे क्यों चुप रहे, वो सही तो कह रहा है, सबसे समझदार गट्टू है। ताई माँ मेरे परिवार को बीच में क्यों घसीट रही है। लो सुना इसे, ये मुझसे कह रही है कि मैं इसके परिवार को बीच में न लाऊं, जबकि इसी ने आप लोगों को बुलाया है। लेकिन अब आप आ ही गए हो तो फिर पूरी तरह जुट जाओ। तो मीनाक्षी मैं तुम्हें और गट्टू को काम बताती हूँ। रिमझिम का बाप हम घर वालों से मिलना चाहता है, उसके बाप ने साफ कह दिया है कि वरना वो उसकी शादी कहीं और करा देगा। उसका बाप जो है काका, क्या कब से बाप बाप कर रहे हैं। रिमझिम के पापा ऐसा कहिए ना। पापा उनका हेलो बोलने का स्टाइल सुना है तूने, नाम क्या है। परशुराम तलवार, परशु और तलवार दोनों साथ में, उस पर पापा शब्द फिट होता है क्या। प्रवीण भाई मजाक बंद कीजिए, हमें इस प्रॉब्लम को सीरियसली लेना ही पड़ेगा। मैं सीरियस ही हूँ सुबोध। बाप मुझे तो नहीं लगता कि मोटा भाई इस रिश्ते के लिए हाँ कहेंगे। जानती हूँ। तो अब क्या करें बा। प्रवीण तुम लोग रिमझिम के पापा से मिलकर सिचुएशन क्या है कैसी है ये जानने की कोशिश करो। लेकिन तब तक रिमझिम की शादी कहीं और हो गई तो। जिक्र बेटा थोड़ा सब्र करना, बाहर निकाल रही है ना। पर हम पापा को डायरेक्टली क्यों नहीं बता सकते। अरे जिगर रिमझिम के पापा का बिजनेस। अरे पर बड़ों की कमियों के आधार पर हम छोटों पर अन्याय क्यों। अगर बार चलाना इतना ही बड़ा पाप है तो फिर दादाजी तो इतने बड़े इतने मशहूर शराबी हैं, तो फिर आप लोगों की तो किसी की शादी नहीं होनी चाहिए थी। क्या बकवास कर रहे तू, छोटे बड़े का कोई लिहाज ही नहीं है। बापूजी शराब इसलिए पीते हैं क्योंकि वो तो क्या, क्योंकि कोई जवाब नहीं है। मम्मी मैं पूछता हूँ ये डबल स्टैंडर्ड क्यों। दादी माँ आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन दादी माँ सोचिए ना, बड़ों की कमियों के आधार पर हम बच्चों पर अन्याय क्यों। वो तो आपकी इतनी इज्जत थी और है समाज में, जिसकी वजह से घर में सबकी शादी हुई है। उसी तरह से सोचिए ना, क्या रिमझिम की मम्मी की समाज में इज्जत नहीं होगी। यार सही कह रहा है, हमें रिमझिम के परिवार के प्लस पॉइंट्स ढूंढने ही पड़ेंगे। वही तो मैं कह रहा हूं, पता तो करो एटलीस्ट, भले ही वो अलग रहती हो रिमझिम के पापा से। वो अलग रहती है क्यों, वो छोड़ के चली गई है। बाप रे, बाप तलवार माँ भाग गई है। आगी नहीं है बाबा, छोड़ के चली गई है। तो जरूर तलवार है ना, शराब पीकर उसे मारता होगा, बाल खींचकर घसीटता होगा उसे। अब बिना सच जाने कुछ भी क्यों कह रहे हो। और तू क्या शोले का सीन कर रहा है, एक के बाद एक माइनस पॉइंट आराम से बता रहा है। प्लस माइनस छोड़ो, एक एक कदम बढ़ाओ। कोमल का रिश्ता तो टल गया, अब शैलेश भाई की अम्मी का रिश्ता टालना है। वो तो टलने से रहा। क्यों क्यों ऐसा बोल रही है तू। एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ तो है, बहुत बड़ी गड़बड़। क्या, जब हम बच्चे कुछ बोलने जाते हैं तो हमें चुप करा के भगा दिया जाता है, तो गड़बड़ और बड़ी हो जाती है। चैताली पहेलियां मत बुझा, पता ना। आप शैलेश भाई की बात कर रहे थे ना। हाँ वो अदा है ना, हमारे अदा। बोलना
शैलेश भाई का फोन आया था अदा को, आज वो अदा से मिलने के लिए उनके ऑफिस जाने वाले हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।